नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां थोड़ी ही देर में संजय सिंह की पेशी होने वाली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होगी। कथित दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसको लेकर नई दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेश होंगे। आपको बता दें कि गिरफ्तारी की वजह बताकर ईडी रिमांड की मांग कर सकती है और ईडी ने बुधवार को 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद देर शाम संजय सिंह को गिरफ्तार किया। और संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ता दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। तो आपको बता दें कि कल जिस तरह से दिल्ली में संजय सिंह के घर पर सुबह सुबह छापेमारी हुई, ईडी ने छापेमारी की, उसके बाद 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आपको बता दें कि संजय सिंह को देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज कोर्ट में पेशी होनी है और ऐसे में अब देखना यह है कि ईडी कितने दिन के रिमांड कोर्ट से मांगती है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला होगा। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी ही देर में पेशी होगी संजय सिंह की। और आपको बता दें कि जब से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है और ईडी ने छापा मारा उनके घर पर, तब से लगातार आपके तमाम नेताओं का जो है बयान सामने आ रहा है। लोगों में गुस्सा है इस बात को लेकर। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली में जो है शराब घोटाले को लेकर उन पर कार्रवाई हुई, इस वक्त वो जेल में हैं। फिलहाल अब संजय सिंह ईडी के रडार पर हैं और ऐसे में संजय सिंह की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिन भर सुबह से लेकर के और शाम तक ईडी की पूरी टीम संजय सिंह जी के घर को खंगालती रही, एक रुपया नहीं मिला, फिर भी गिरफ्तार कर लिया। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में एक अघोषित तानाशाही लागू हो चुकी है। परसों पत्रकारों को उठा लिया घर में जाकर के, शाम को टीएमसी के माननीय महिला सांसद को जिस तरह से सबने स्क्रीन पे देखा घसीटा जा रहा था। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन की। आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से लगातार आपका प्रदर्शन दिल्ली समेत कई राज्यों में आज हो रहा है, जिसको लेकर नई दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। लेकिन दिल्ली से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आप कार्यकर्ताओं की हैं, जो कि इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती हुई है स्थिति को संभालने के लिए। तो आज आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है संजय सिंह की। अब देखना ये कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला होगा। फिलहाल आपको बता दें कि आप कार्यकर्ताओं में नेताओं में इस वक्त गुस्से का माहौल है। तो थोड़ी ही देर में संजय सिंह की पेशी होगी, लेकिन उससे पहले लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आप और भाजपा के बीच बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाना है थोड़ी ही देर में। गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर रही है, लेकिन ये प्रदर्शन देखिए, दिल्ली से लाइव तस्वीरें जो कि आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, जिस तरह से तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच थोड़ी ही देर में कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होने वाली है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है शराब मामले में, जो शराब नीति थी उसमें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
संजय सिंह को गिरफ्तार किया है एक दिन पहले ही, और अब से कुछ दिन में रॉ रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के अब कहना की राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में, क्योंकि जिस रोड पर आम आदमी पार्टी का मुख्यालय वहीं से मैच कुछ ही दूरी पर भाजपा का मुख्यालय है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और भाजपा कार्यालय की तरफ जाकर के नारेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है धारा 144 लगाई गई है, सुरक्षा के मद्देनजर जो है ये धारा 144 लगाई गई है ताकि किसी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन ना हो। हालांकि भाजपा के कार्यकर्ता भी दिल्ली सरकार से मुक्ति की बात कहकर राजघाट पर जाकर के शांत पूर्वक जो है अपना धरना की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ दिल्ली भाजपा है जो राजघाट पर जा रही है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली के अंदर उसको लेकर के अपनी बात रख रही है कि भ्रष्ट सरकार से छुटकारे की बात कर रही है, वहीं दूसरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पे एकत्रित होकर भाजपा मुख्यालय पहुंचते हैं और इसके साथ साथ रोज एवेन्यू कोर्ट के पास भी इसी तरीके के हालात जो हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हैं, जो बड़ी संख्या में आपके जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के वो एकत्रित होकर के केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यहाँ पर ईडी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के इनका कहना है कि ये बदले को लेकर के कर रहे हैं, राजनीतिक कार्रवाई है, आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग में संजय सिंह का नाम सामने आया था, जिस पर कल ईडी की टीम जो है वो संजय सिंह के आवास पर पहुंची थी, छापेमारी करी थी, कई दस्तावेज हासिल करे थे और दिन भर चली पूछताछ के बाद संजय सिंह को अपनी गिरफ्त में लिया था। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच देखिए एक तरफ सीबीआई जहाँ पॉलिसी में गड़बड़ी और करप्शन को लेकर जांच करे, तो वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लगातार छापेमारी की कार्रवाई के बाद से अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और जो चार्जशीट दीपक दाखिल की गई थी उसमें भी संजय सिंह का कई जगहों पर नाम है। ऐसे में अगर आज कोर्ट में जब पेशी होगी तो किस तरह से क्या माना जा रहा है, चूंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं, तो ऐसे में क्या माना जा रहा है दीपक कि संजय सिंह की मुश्किलें यहाँ पर और अभी बढ़ सकती हैं? देखिए आज जब अभी कुछ देर के बाद ही प्रवर्तन निदेशालय जो है की जो टीम है ईडी की जो टीम है वो कोर्ट में पेश करेगी रोज एवेन्यू में, और यहाँ पर रिमांड की मांग की जाएगी। रिमांड इसलिए क्योंकि अभी कई दस्तावेज हासिल करने हैं, कुछ नामों की बात करनी है, पूछताछ करना चाहती है ईडी, जिसको लेकर के रिमांड की मांग करेगी। और संभवतः जिस तरीके की एक तैयारी ईडी के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दस्तावेजों के साथ की गई है, तो ये कयास कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के है कि रोज एवेन्यू कोर्ट से जो रिमांड है वो भी मिल सकता है संजय सिंह का, जहां पूछताछ की जाएगी संजय सिंह से और संजय सिंह से इस मामले में जुड़े शराब जो नीति है इससे जुड़े कई दस्तावेज भी यहां पर हासिल किए जा सकते हैं। कई एक बड़े खुलासे भी ईडी करने की उम्मीद में है कि संजय सिंह से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। दिल्ली की जो शराब नीति जो बनी थी उसके अंदर कहना कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, ये कहा जा रहा था कि कुछ बड़े शराब माफियाओं के साथ मिली भगत करके पैसा जो है वो ट्रांसफर कराया गया है, हालांकि ये पार्टी फंड के नाम पर है या किस तरीके से लिया गया है या व्यक्ति विशेषों द्वारा इन नेताओं के द्वारा लिया गया है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अभी ईडी जांच कर रही है और ये तमाम जांच का मुद्दा है। लेकिन जांच में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी मनीष सिसोदिया वाले मामले में भी उसमें भी कहीं ना कहीं संजय सिंह की भूमिका सामने आई थी, और संजय सिंह की इस भूमिका के बाद ही उसको बुलाया गया था पूछताछ के लिए। जब सहयोग नहीं मिला तो खुद ईडी की टीम वहां पर पहुंची और बाकायदा छापेमारी करी, पूछताछ करी और जिसके बाद गिरफ्तार किया गया था, और अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कोर्ट में पेश करने को लेकर के उससे पहले ही कहीं ना कहीं बड़ा एक सियासी मुद्दा बनाया गया है राजनीतिक दलों के द्वारा, खासकर आम आदमी पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है इस मामले को लेकर किया जा रहा है। बिल्कुल, संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोड़ा की गवाही है, ये भी जो है ईडी की तरफ से कहा गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये आरोप लगाया यहाँ पर दीपक की दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी और इस मीटिंग में संजय सिंह भी मौजूद थे। तो ऐसे में ये जो तमाम चीजों में संजय सिंह का नाम निकल कर आ रहा है, ऐसे में क्या माना जाए? आज चूंकि अभी पेशी होनी है और इससे पहले अगर देखा जाए तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या संजय सिंह के साथ भी इस तरह से जो है गिरफ्तारी और जेल की सजा हो सकती है?
अलग अलग अगर बात करें अभी तक नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब संजय सिंह की गिरफ्तारी, संजय सिंह का आवाज भी पार्टी के एक बड़े रणनीतिकारों में भी है। संजय सिंह यूं तो सांसद है लेकिन एक बड़े रणनीतिकार हैं इस पार्टी के, और अगर बात करें अरविंद केजरीवाल के काफी नजदीकी हैं, और ऐसे में एक नजदीकी मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, और अब संजय सिंह के खिलाफ सबूत मिलने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जाएगी, कई दस्तावेज कई सबूत सामने आ सकते हैं जो उम्मीद है ईडी को। और ऐसे में उनका ईडी का कहना है कि इस मामले से जुड़ा हर वो शख्स जिसकी भूमिका पाई जाएगी उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उन तक पूछा जाएगा, उन तक पहुंचा जाएगा, सबसे पहले पूछताछ की जाएगी, यदि किसी की भी भूमिका पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां होना कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किलें जरूर है। आम आदमी पार्टी जो कि पारदर्शिता की बात करके राजनीति में आई थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं कई बड़े प्रश्न इस तरह की कार्रवाइयों से उठ रहे हैं। और ऐसे में हालांकि आम आदमी की पार्टी के नेताओं के बयान अभी से आने लगे हैं कि अब आगे और नेताओं के नाम देने लगे हैं कि आगे उनको भी गिरफ्तार कर सकती है ईडी, परेशान कर सकती है, कहीं ना कहीं ईडी का नाम लेकर के अब निशाना साधा जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर है, केंद्र के इशारे पर है, कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि आज रिमांड के बाद ये तथ्य सामने आएंगे कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ ईडी के हाथ लगता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर थोड़ी ही देर में पेशी होने वाली है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जहाँ पर आपके कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।